मोदी के काम का केजरीवाल ने लिया क्रेडिट तो भड़क गए जज साहब, कहा ये नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने कह दिया पहले अपना राशन लाओ, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर बड़ा फैसला। पंजाब के लोगों से किया वादा भी रहेगा अधूरा, क्या केजरीवाल अब गांव गांव गेहूं खरीदेंगे? केजरीवाल को क्रेडिट लेने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है तो कहते हैं कि मोदी जी कुछ करिए, केंद्र सरकार कुछ इंतजाम करे, लेकिन जब कंट्रोल हो जाता है तो कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है। साल 2019 में इसी बात को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर से केजरीवाल की ये आदत पकड़ी गई है। केजरीवाल दरअसल मोदी बनने के चक्कर में थे, लेकिन दो मिनट में सिस्टम ने समझा दिया कि केजरीवाल ही बने रहो तो फायदा होगा। राशन के डोर स्टेप डिलीवरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बात कही है उसका मतलब कुछ ऐसा ही समझ आता है। पहले आप हाईकोर्ट का आदेश सुनिए, फिर आपको पूरी बात विस्तार से समझाते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि नई योजना लाने और घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। मतलब दिल्ली सरकार को अपना राशन खरीदना होगा, जो केजरीवाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में गेहूं और चावल समेत सभी फसलें केंद्र सरकार ही खरीदती हैं। सीधा FCI के गोदाम में अनाज का भंडारण होता है, फिर वहां से जरूरत के हिसाब से राशन डीलर्स को दिया जाता है, ताकि कम कीमत पर गरीब जनता को गेहूं और चावल मिल सके। लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि जनता को कोटेदारों या डीलर के पास जाकर लाइन न लगानी पड़े, इसमें भ्रष्टाचार न हो, इसलिए राशन घर घर पहुंचाया जाए। इस योजना को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री राशन डोर स्टेप डिलीवरी योजना नाम दिया। 21 जून 2020 को केजरीवाल ने ऐलान किया कि गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैकेट में बंद कर सीधे लाभार्थियों के घर तक पहुंचाए जाएंगे। हम नई योजना लेकर आ रहे हैं। नियम के मुताबिक केजरीवाल ने मंजूरी के लिए फाइल LG को भेजी, फिर केंद्र सरकार के पास फाइल पहुंची तो कहा गया मुख्यमंत्री शब्द हटा लीजिए, फिर ये डोर स्टेप डिलीवरी योजना हो गई। तभी दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जज साहब अक्टूबर 2021 वाला टेंडर रद्द कर दीजिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जज साहब ने पूरी बात सुनी और फिर फैसला सुना दिया कि क्रेडिट पॉलिटिक्स यहां बिल्कुल नहीं चलेगी। वैसे केजरीवाल ने कोरोना के टाइम में भी कुछ ऐसा ही किया था, जब हालात बिगड़ जाते थे तो कहते थे मोदी सरकार फंड जारी करे, दिल्ली वालों की मदद करे, ऐसे संकट के काल में पॉलिटिक्स ना करे बल्कि लोगों की जान बचाए, और जब मदद मिल जाती थी तो फिर चौड़ में कहते थे कि सबकी जान तो हमने बचाई है। ये सब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि केजरीवाल साल 2014 में मोदी के हाथों 3,71,000 वोटों से हारने के बाद भी मोदी से आगे निकलने का सपना भूले नहीं है। उन्हें लगता है PM मोदी के अच्छे कामों को अपना बताकर वो जनता के दिल में जगह बना लेंगे और फिर एक ना एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस देश की जनता तो सब जानती है, उसे पता है कि उसके लिए कौन क्या कर सकता है। फिलहाल इस फैसले के बाद पंजाब में भी केजरीवाल का वादा अधूरा रहने वाला है, क्योंकि वहां अगर ये योजना लागू हुई तो वहां के डीलर्स भी कोर्ट फिर जाएंगे और फिर दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला नजीर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।